अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे 5 मिनट के अंदर भेजा फ्राई। बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। चले इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक बर्तन में पानी गर्म कर लेना है। ये फुल बॉइल्ड पानी है। इसके मैं नीचे अभी फ्लेम ऑफ किया है। फ्लेम ऑफ करके हम इसमें ब्रेन डाल देंगे। 5 ब्रेन मैंने लिए हैं बकरे के, और अब हम इसके अंदर डाल देंगे। पानी से आप चाहें तो पहले हल्का सा धो लें और उसके बाद इसमें डाल दें। 1 मिनट के लिए हम इसको इस गर्म पानी में डिप करके रखेंगे, सिर्फ 1 मिनट के लिए। घड़ी से आप टाइम नोट कर सकते हैं। सिर्फ 1 मिनट के लिए हमने इसको अंदर रखा, और कोई नीचे आंच इसके चूल्हा नहीं चल रहा। ये 1 मिनट के बाद हमने इसको फौरन निकाल लेना है। ब्रेन बहुत डेलिकेट होता है, तो आप इसको बहुत केयरफुली आप इसको हैंडल करें। ये देखिए, ये हमने सारा ब्रेन निकाल लिए। ये 1 मिनट के अंदर ही इसका ऑलमोस्ट सारा जो ब्लड है वो पूरा क्लीन हो चुका है। अब हम एक पॉइंटेड नाइफ ले लेंगे, यानी बारीक चोंच वाली जो होती है आगे से, और इससे हम इसके अंदर की गंदगी भी साफ़ कर लेंगे। बहुत थोड़ी सी इसके अंदर अब गंदगी रह गई होगी, क्योंकि इसके ऊपर जो एक झिल्ली सी बनी होती है वो तो गर्म पानी में 1 मिनट में रखने में क्लीन हो गई है। अभी थोड़ा थोड़ा सा जो रह गया है वो भी हम क्लीन कर लेंगे। आप देख सकते हैं इसके वेंस में कोई ब्लड नहीं है, ये कम्प्लीटली साफ़ हो चुके हैं। सिर्फ इसके अंदर से हम जो है थोड़ा सा जो मोटी वाली वेंस रह गई हैं उसको भी हम छुरी की मदद से निकाल लेंगे। इसी तरह हमने ये सारा साफ़ कर लेना है इसको, लेकिन वो हाथ बहुत हल्का हमने रखना है ताकि हमारा जो ब्रेन है वो टूटे भी ना और इसकी शेप भी ख़राब ना हो। ये देखिए, अंदर से एक ये मोटी वेन रह जाएगी, बाकी सारा ऊपर वाला पूरा क्लीन हो जाएगा। ये देखिए, ये ब्रेन हमारा पूरा साफ़ हो गया। अब हम इसको एक बाउल में निकाल के रखेंगे। अब हम वेजिटेबल्स कट कर लेंगे। इसके लिए हमें जो वेजिटेबल्स चाहिए, हमने प्याज लिया है, टमाटर, धनिया, अदरक, हरी मिर्चें। एक ब्रेन के लिए एक छोटा प्याज और एक छोटा टमाटर यूज़ करेंगे। अब हमने 5 ब्रेन लिए हैं, तो इसलिए 5 टमाटर 5 प्याज हम लिए हैं, लेकिन साइज़ छोटा रखेंगे। प्याज हो चाहे टमाटर हो, साइज़ छोटा रखेंगे। अब इसको अच्छे से हम क्लीन करके कट कर लेंगे। बहुत ही बारीक हमें कटिंग करनी है इसकी, प्याज की। टमाटर को भी हमने प्याज की तरह सेम कटिंग कर लेनी है। सबसे पहले हम टमाटर के बीज निकाल देंगे सारे। अगर टमाटर के बीज डालेंगे तो ये जो हमारा मसाला होगा वो ज़रा खट्टा हो जाएगा, तो हम टमाटर के बीज निकाल देंगे। और इसकी भी बहुत ही बारीक हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। इसको भी हमने सेम प्याज की तरह साइज़ के फाइनली चॉप कर लेना है टमाटर को। अब इसी तरह हम अदरक को लेंगे और इसको भी बहुत ही बारीक हमने लंबाई के रुख में चॉप कर लेना है। ये अदरक हमारा हो गया। अब इस तरह हमने हरी मिर्चों को भी बहुत ही बारीक चॉप कर लेना है। इसी तरह मैं बाकी की भी हरी मिर्चों को चॉप कर लूँगी। अब हम एक बर्तन लेंगे, डीप पॉट हमने ले लिया। अब हम इसमें 1/3 कप ऑयल डालेंगे और ऑयल को हम गर्म कर लेंगे। जैसे ही ऑयल हमारा गर्म होगा हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को हमने हाई फ्लेम पे सॉफ्ट कर लेना है। ये देखिए, प्याज हमारा नरम हो गया और साथ इसका कलर पिंक हो गया। इसको गोल्डन या ब्राउन कलर हमने नहीं करना, सिर्फ इसको हमने गला लेना है ताकि हमारा ये सॉफ्ट हो जाए। अब ये प्याज अच्छे से नरम पड़ गया हमारा। अब हम इसमें ये पॉइंट पे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट भर के डाल देंगे। इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो लहसुन अदरक का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। ये प्याज हमारा रेडी हो गया। अब हम इसमें ड्राई मसाले डालेंगे। 1/4 टीस्पून हमने हल्दी डाली, 1 टेबलस्पून भर के कुटी लाल मिर्च हम डालेंगे, 1/2 टेबलस्पून नमक इसमें ऐड किए, 1 टीस्पून हमने धनिया पाउडर ऐड किए, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1/2 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, थोड़ी सी भुनाई करेंगे इसकी और अच्छे से हमारे प्याज के साथ इसको मैश कर लेंगे। अब हम इसमें 2 चम्मच पानी डाल देंगे ताकि हमारा मसाला नीचे लगे ना और भुनाई बहुत अच्छे से हो जाए। 2 मिनट तक हम इसको भून लेंगे ताकि हमारा जो प्यालों के साथ अच्छे से हम इसको मैश कर लेंगे। ये हमारा प्याज हो गया है। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। टमाटर डालने के बाद हम इसको भी अच्छे से 1 मिनट तक भुनाई कर लेंगे हाई फ्लेम पे, ताकि टमाटर हमारे जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएं और अच्छे से मसाले के साथ मिक्स हो जाएं। अच्छे से मसाले हमारा बन गया है, हमने इसको अच्छे से मैश कर लिया है। अब ये पॉइंट पे हम इसमें ब्रेन ऐड करेंगे। ब्रेन ऐड करने के बाद हम मसाले को मैश नहीं करेंगे, इससे हमारे जो हमने ब्रेन डाला है उसकी शेप ख़राब हो जाएगी। अब ये इसको हम चम्मच की मदद से ही, जो हम स्पैचुला यूज़ कर रहे हैं उसी से ही हम इसको मोटा मोटा मैश कर लेंगे। हल्के हाथ से इसको मसाले में कोट कर लेंगे। ये हमारा जो है ब्रेन हमारा मसाले में हो गया। अब हम इस पर हरी मिर्चें ऐड कर देंगे और इसको एज इट इज़ हम 3 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे ताकि जो है ब्रेन हमारा अच्छे से सेटल्ड हो जाए।
ये देखिए ब्रेन हमारा अच्छे सेटल हो गया है, साइडों में से ऑयल अपना छोड़ गया है। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। ब्रेन हमारा 4 मिनट्स के अंदर रेडी हो गया है। इसको ओवर हमने पकाना नहीं। अब इस पर हमने धनिया स्प्रिंकल करेंगे, अदरक कुटा हुआ जो हमने रखा था चॉप करके वो हमने डाल दिया, और अब ये पॉइंट पे हम इसको 1 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। मीडियम फ्लेम हमने रखा हुआ है, जब से हमने ब्रेन पकाना शुरू किया तब से हमने मीडियम फ्लेम पे इसको पकाया है। ये ब्रेन मसाला हमारा ज़बरदस्त सा रेडी है, अब हम इसकी सर्विंग करेंगे। ये देखिए ज़बरदस्त सा भेजा फ्राई ब्रेन मगज़ हमारा रेडी है। आप इसको गर्मा गर्म नान रोटी के साथ सर्व करें, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।